वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए रिएक्ट का एक चैलेंज लेकर आई हूँ। एंड व्हाई दिस चैलेंज? क्योंकि इस रिएक्ट प्लेलिस्ट में हम ऑलरेडी बहुत सारे कुछ प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं। कुछ काफी ज्यादा सिंपल प्रोजेक्ट्स थे, कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। सो नाउ फाइनली आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई एंड मेक द प्रोजेक्ट बाई योर ओन। सो बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, मैं आप लोगों को स्क्रीन में एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगी। आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से समझनी है एंड उसके बाद इस वीडियो को पॉज कर देना है एंड आप लोगों को खुद से ये प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई करना है। यदि आप प्रोजेक्ट बनाते टाइम कहीं बीच में फंस जाएं तो आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। एंड ऐसे लोग जो वन गो में विदाउट एनी हेल्प यदि ये प्रोजेक्ट बना पाते हैं तो वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि मैं हर एक कॉमेंट का रिप्लाई करूँ एंड जो लोग बिगनर हैं वो मेरे साथ अभी ये प्रोजेक्ट साथ साथ बना सकते हैं। सो बेसिकली आज हम क्या बनाने वाले हैं, आप जैसे मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आज बनाएंगे काउंटर टाइमर प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले तो एक हेडिंग है जो कि काउंट डाउन टाइमर, ठीक है, ये बता रही है कि आज हम टाइमर प्रोजेक्ट, काउंट डाउन टाइमर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। बहुत ज्यादा सिंपल प्रोजेक्ट है ये। इसमें हम हेडिंग के बाद एक इनपुट बॉक्स देंगे जिसमें यूजर सिर्फ नंबर्स टाइप कर सकता है। अगर यूजर इसमें टेक्स्ट टाइप करने की कोशिश करेगा तो टाइप नहीं होगा। एक रिक्वायरमेंट ये है। एंड इसमें हमने एक प्लेस होल्डर दिया हुआ है कि एंटर टाइम इन मिनट्स, तो यूजर को जितने भी टाइम का, जितने भी मिनट्स का टाइमर लगाना है वो वैल्यू यूजर को इस इनपुट बॉक्स में एंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 1 टाइप करती हूँ तो नीचे मुझे डिस्प्ले भी होगा कि हम 1 मिनट का टाइमर यहाँ पर लगा रहे हैं। उसके बाद हमने नीचे यहाँ पर 3 बटन्स दिए हुए हैं, एक स्टार्ट, एक पॉज एंड एक रीसेट। सो जैसे ही यूजर स्टार्ट पर क्लिक करेगा मेरा जो टाइमर है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाना चाहिए। सिमिलरली यूजर पॉज पे क्लिक करेगा तो हमारा जो टाइमर है वो पॉज हो जाएगा उसी टाइम पर। एंड देन यूजर अगर रिज्यूम पर क्लिक करेगा तो भी हमारा जो टाइमर है वो रिज्यूम हो जाएगा। अगेन अगर मैं पॉज पे क्लिक करूं और स्टार्ट पे क्लिक करूं तो भी हमारा क्या होगा, जो टाइमर है वो उसी टाइम से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑन क्लिक ऑफ रीसेट मेरे पास एक पॉपअप आना चाहिए कि योर टाइम इज अप, ठीक है। एंड अगर मैं इस पे ओके पे क्लिक करती हूँ तो मेरा जो टाइमर है वो रीसेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट, ठीक है, बट आप इसमें डिफरेंट हुक्स का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको स्टेट मैनेजमेंट भी करना है, आपको टाइमर्स भी लगाने हैं तो आपको डिफरेंट हुक्स का यूज करना पड़ेगा। आप बटन्स का यूज कर रहे हैं तो आपको इवेंट हैंडल करना सीखेंगे एंड साथ में आप यहाँ पर इनपुट वैल्यूज को किस तरीके से हैंडल करते हैं वो भी आप सीखेंगे। अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं। एंड जिन लोगों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, आई वॉन्ट यू गाइस कि आप लोग भी अभी इस वीडियो को पॉज करें एंड प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करें। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो फाइनली हम अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है जिसमें बहुत बेसिक सा रियाक्ट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन हो रहा है। यहाँ app.js में बाय डिफॉल्ट जो रियाक्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं हम, तब का कोड यहाँ पर है जो कि आप ब्राउजर में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसी प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करेंगे एंड हमारी रिक्वायरमेंट जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है उसके हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को चेंज करेंगे। सो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो app.js के अंदर का जितना भी बाय डिफॉल्ट कोड है उसको मैं यहाँ से कर देती हूँ रिमूव, ठीक है। एंड मुझे आई गेस ये लोगों की भी जरूरत नहीं है। एंड साथ में हम क्या करते हैं, src के अंदर एक कॉम्पोनेंट नाम का फोल्डर बना लेते हैं। सो लेट्स क्रिएट कॉम्पोनेंट एंड इस कॉम्पोनेंट के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाती हूँ जो है लेट्स से काउंटर टाइमर, ठीक है। एंड इस फोल्डर के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं वो क्रिएट करेंगे। सो लेट्स से काउंटर टाइमर डॉट जेएस एंड इसी के अंदर हम अपनी एक CSS फाइल भी बना लेते हैं। सो लेट्स से काउंटर टाइमर डॉट CSS, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, काउंटर टाइमर जो हमारा एक फाइल है जावास्क्रिप्ट की उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने फंक्शन कॉम्पोनेंट में। तो यहाँ पर आ गया हमारा काउंटर टाइमर का एक फंक्शन कॉम्पोनेंट एंड इसे हम इम्पोर्ट कर लेते हैं अपने app.js फाइल में। सो लेट्स से काउंटर टाइमर, ठीक है, यहाँ पर हमने इसे इम्पोर्ट कर लिया है। एंड अगर हम अपने ब्राउजर में चलकर देखें तो यहाँ पर हमें काउंटर टाइमर डिस्प्ले हो रहा है। ओके सो अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है हमारी
ये प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है? तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम इसका पूरा यूआई क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें फंक्शनैलिटीज ऐड कर देंगे। सो यूआई क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं पहले तो वीएस कोड में, एंड काउंटर टाइमर जो हमारी फाइल है इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, इस डिव को एज अ पेरेंट ही रहने देती हूँ, एज अ कंटेनर ही रहने देती हूँ, एंड इसके अंदर मैं अपनी क्लास नेम अप्लाई कर देती हूँ। सो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना भी सीएसएस है वो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, एंड सेम सीएसएस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये सीएसएस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। एंड सो सिंपली अभी हम यहाँ से सीएसएस कॉपी करते हैं, अपना क्लास नेम यहाँ से कॉपी करते हैं, एंड इस डिव में मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। एंड नाउ अब हमें सबसे पहला क्या काम करना है, हमें क्या करना है, एक हेडिंग शो करनी है, राइट? काउंटडाउन टाइमर। सो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आऊंगी एंड सिंपली यहाँ पर एक H1 टैग लगा देते हैं हम, ठीक है? एक H1 टैग लगा दिया हमने, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ काउंटडाउन टाइमर, ठीक है? सो हमारा हेडिंग वाला पार्ट तो हो गया, अगर हम ब्राउजर में चल के देखेंगे तो हमें काउंटडाउन टाइमर तो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, बट यहाँ पे सी एस एस अप्लाई नहीं हुई है। सी एस एस अप्लाई होने के लिए हमें पहले सी एस एस फाइल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट हमारी जो भी सी एस एस फाइल है, दैट इज काउंटर टाइमर डॉट सी एस एस, एंड इसको हम करते हैं सेव, एंड अभी देखते हैं हमारा सी एस एस अप्लाई हुआ है। येस, हमारा सी एस एस अभी अप्लाई हो चुका है, हमारा जो काउंटडाउन टाइमर हेडिंग है वो आ गया है सेंटर में। अब हमने एक रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ली कि भाई आपको ये जो हेडिंग शो करना था वो हमने कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, एक हमें एक इनपुट बॉक्स बनाना है, तो सबसे पहले तो हम ये इनपुट बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है? सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक डिव लगाती हूँ एंड डिव के अंदर मैं एक इनपुट लिखती हूँ, ठीक है? इनपुट टैग, एंड इनफैक्ट इस डिव में भी हम पहले क्लास अप्लाई कर देते हैं जिससे कि हमारी स्टाइलिंग डिस्टर्ब ना हो। तो लेट्स कॉपी दिस क्लास नेम फ्रॉम हियर एंड आई विल पेस्ट इट इन माई JS फाइल, एंड अब मैं क्या करूँगी, एक इनपुट टैग लगाऊंगी। एंड अब हमें पता है कि ये जो इनपुट टैग है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम नंबर एंटर कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ही एंटर हो रहे हैं, ठीक है? स्ट्रिंग यूजर एंटर नहीं कर सकता है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसका जो टाइप है वो दे दूंगी कि भाई इसका जो टाइप है वो हमेशा रहना चाहिए नंबर, ठीक है? एंड उसके बाद एक हमारे पास प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर क्या है, एंटर टाइम इन मिनट्स, तो हम ये प्लेस होल्डर डाल देते हैं, एंटर टाइम इन मिनट्स, ठीक है? एंड इसको हम करते हैं सेव। सो यहाँ पर आप देखो हमारे पास इनपुट बॉक्स आ चुका है एंड यहाँ पर हमारे पास हेडिंग आ चुकी है, ठीक है? उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मैं इसको रीलोड करती हूँ, एंड उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हमें यहाँ पर टाइमर शो करना है। सो फॉर नाउ मैं क्या करती हूँ, अभी के लिए मैं एक डिव लगाती हूँ एंड इसमें मैं एक स्टेटिक वैल्यू दे देती हूँ 0 0, ठीक है? सो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर हो जानी चाहिए। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे मेरी थर्ड रिक्वायरमेंट भी हो गई। उसके बाद सिंपली मुझे क्या करना है, उसके बाद सिंपली मुझे एक तीन बटन्स बनानी है, परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे तीन बटन क्रिएट कर लेती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इस डिव के बाद एक और डिव लगाती हूँ जिसके अंदर मेरी सारी बटन्स आ जाएंगी एंड इसमें मैं क्लास नेम अप्लाई कर देती हूँ। सो क्लास नेम विल बी टाइमर डिस्प्ले टाइमर कंट्रोल। सो ये वाली जो मेरी सी एस एस यहाँ पर मैंने सिंपली दिया हुआ है कि हर बटन के बीच में डिस्प्ले फ्लेक्स हो और हर बटन के बीच में 10 पिक्सल का गैप दे दिया है, ठीक है? सो यहाँ पर हम अपनी क्लास नेम पेस्ट कर देंगे। तो इसके अंदर हम कर लेते हैं तीन बटन्स क्रिएट। कौन कौन सी बटन है, बहुत सिंपल है, हमें पता है एक स्टार्ट बटन है एंड सिमिलरली हमारे पास एक पॉज बटन है एंड हमारे पास एक रीसेट बटन है। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रीसेट, ठीक है? एंड इसको हम करते हैं सेव। तो होपफुली अभी तक हमारा जितना भी यूआई है वो एटलीस्ट क्रिएट हो गया होगा। सो हम ब्राउजर में चल के देखते हैं। सो परफेक्ट, हमारे पास क्या है, काउंटर एक हेडिंग आ गई, इनपुट बॉक्स आ गया एंड यहाँ पर हम टाइम शो करेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास तीन बटन आ गए। अब फाइनली हमें क्या करना है, हमें अपनी फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बनाया है, तो इट मीन्स हमें यूजर को ये एक अथॉरिटी देनी है कि यूजर कुछ इनपुट इस बॉक्स में फिल कर सके, ठीक है? 1 2 उसे जो भी फिल करना है, जो भी नंबर उसे फिल करना है यूजर उसे फिल कर सके।
अब यूजर हमें कुछ इनपुट दे रहा है, इट मींस हमें उस इनपुट को अपने कोड में स्टोर करना होगा, ठीक है। उसके बाद ही हम उस इनपुट को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब यूजर के इनपुट को स्टोर करना, इट मींस हमें पहले एक वेरिएबल चाहिए जिसमें कि हम उस इनपुट को स्टोर कर सकें। अब हमें ये भी पता है कि रिएक्ट में वेरिएबल को हम चेंज तो नहीं कर सकते, इट मींस हमें क्या चाहिए, हमें स्टेट चाहिए, ठीक है। स्टेट को ही हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक हम हुक लिखेंगे, दैट इज यूज स्टेट हुक, और इसमें लिखते हैं हम टाइम, एंड लेट्स से सेट टाइम इक्वल्स टू यूज स्टेट, एंड इसकी जो इनिशियल वैल्यू है हम दे देते हैं 0, ठीक है। ये है वैल्यू इन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड्स में हमने बोल दिया इनिशियली भाई 0 सेकेंड पर है, 0 0 सेकेंड पर है हमारा जो टाइमर है, ठीक है। 0 सेकेंड से नीचे तो टाइम होगा नहीं, तो हमने इनिशियली उसकी वैल्यू क्या सेट कर दी, 0 सेट कर दी। एंड अब हम क्या चाहते हैं, जब भी कोई यूजर इस इनपुट बॉक्स में कोई वैल्यू डाले तो हम उसको स्टोर कर लें अपने पास, ठीक है। एंड उस वैल्यू को फिर हम आगे मॉडिफाई करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब यूजर इनपुट कुछ फिल करेगा तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि भाई एक ऑन चेंज फंक्शनैलिटी लगा दो आप। जैसे ही इनपुट बॉक्स की वैल्यू चेंज होगी, हम एक फंक्शन कॉल कर लेंगे, उसको हम बोल देंगे हैंडल इनपुट, ठीक है। एंड इस फंक्शन को हमें डिफाइन करना होगा, हम इसको यहाँ डिफाइन कर देते हैं, कॉन्स्टेंट हैंडल इनपुट, ठीक है। लेट्स मेक इट एज अ एरो फंक्शन ओनली बिकॉज दैट्स वॉट आई लाइक, ठीक है। एंड इसमें अब हम क्या कर देंगे, सेट टाइम, एंड जो भी यूजर ने इनपुट दिया है उसको, अब देखो यूजर जो भी इनपुट दे रहा है वो कैसे दे रहा है, मिनट में दे रहा है हमारे पास, क्योंकि हमने प्लेस होल्डर में यहाँ पर लिख के रखा है एंटर टाइम इन मिनट्स, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम है, ये वेरिएबल है, वो वैल्यू किस में स्टोर कर रहा है, हमारे सेकेंड्स में कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो इनपुट आ रहा है मिनट में उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड हमें पता है कि कैसे किया जाता है वो। सो लेट मी राइट पार्सेंट, जो भी आपका इनपुट आ रहा है दैट इज इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है आप उसका इंटू कर दो 60 से। क्यों 60 से, क्योंकि हमें पता है कि भाई 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो मिनट को यदि मुझे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे इंटू करना पड़ेगा 60 का, ठीक है। तो यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कुछ इशू है। एक इशू है जो आप लोगों ने आई डोंट नो नोटिस किया है या नहीं, अगर हम यहाँ पर इवेंट को यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। सो लेट मी राइट इवेंट, एंड अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया, अब यूजर का काम खत्म हो गया, अब हमारा काम शुरू होता है, ठीक है। हमने इनपुट ले लिया, इनपुट लेके हमने उसको सेकेंड में कन्वर्ट भी कर दिया। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने 1 एंटर किया तो हमारे पास टाइम की वैल्यू 60 आ गई। अब नेक्स्ट टास्क क्या है हमारे पास, जब भी यूजर कोई भी वैल्यू एंटर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर यूजर ने यहाँ 1 टाइप किया, तो अब आप देखो नीचे की भी वैल्यू मेरी चेंज हो रही है, राइट, ठीक है। तो अभी तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक स्टैटिक वैल्यू शो की है 0 0, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इनफैक्ट इसकी जगह हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिख देते हैं। सो लेट मी राइट वन फंक्शन हियर, लेट्स से फॉर्मेट टाइम, ठीक है। एंड इस फंक्शन को हम कॉल भी यहीं कर लेते हैं ना, ये फंक्शन कॉल कर लिया, एंड इस फंक्शन को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं एज अ एरो फंक्शन। डन, ठीक है। अब इस फंक्शन में हमें लिखना क्या है, तो अगर आप रिक्वायरमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं मिनट और सेकेंड्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। हम अगर यूजर 3 टाइप कर रहा है, इट मीन्स 3 मिनट्स टाइप कर रहा है, तो हम 3 मिनट्स और 0 सेकेंड्स का टाइमर लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे, कॉन्स्टेंट एक हम बनाएंगे मिनट, ठीक है। मिनट क्या होगा, अभी हम लिखते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग, लेट से मैथ डॉट फ्लोर। मैं आपको बताऊंगी कि अभी हम ये क्या किया है हमने और क्यों किया है, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर, अब हमारे पास जो भी टाइम आएगा उसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। डॉट पैट स्टार्ट, एंड यहाँ पर मैं बोल दूंगी दिस। मैंने ये क्या किया है, पहले तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ।
हमें क्या करना था, मिनट और सेकेंड का कॉम्बिनेशन शो करना है. अब अगर यूजर ने वन टाइप किया फॉर एग्जाम्पल, तो हमने यहाँ पर क्या किया, उसको 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया. टाइम मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमें कैसे शो करना है, मिनट और सेकेंड का कॉम्बिनेशन. इट मीन्स अगर वन टाइप किया तो मेरे पास टाइम में अभी कितनी वैल्यू सेव है, टाइम की वैल्यू मेरे पास अभी 60 सेव है. यहाँ पे क्या शो करना है, 0 1 एंड 0 0, करेक्ट. तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, टाइम डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि मेरे पास सेकेंड्स हैं. अगर सेकेंड्स को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको डिवाइड करूंगी 60 से, करेक्ट. तो मेरे पास ये मिनट में कन्वर्ट हो गया. एंड यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि मैं इस पैट स्टार्ट मेथड का यूज़ करना चाहती थी, जो कि हमारे पास सिर्फ स्ट्रिंग में प्रेजेंट है. तो मैं क्या करूँगी, जो भी मेरे पास अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, पेट स्टार्ट मेथड करती क्या है वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ. एक्चुअली हमारी जो भी स्ट्रिंग होती है उसमें या तो स्ट्रिंग के आगे या तो स्ट्रिंग के पीछे कुछ वैल्यूज ऐड करती है, ठीक है. तो इसमें जो फर्स्ट पैरामीटर होता है एक्चुअली आएगा हमारा इस तरीके से, ठीक है. सो इसमें जो हमारा पहला पैरामीटर होता है वो बताता है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए आपके स्ट्रिंग की. तो हमें पता है कि मैक्सिमम लेंथ हमें चाहिए हमारे मिनट की, वो है 2 0. अब देखो यहाँ पे दो ही नंबर हम शो कर रहे हैं मिनट्स के लिए. सो मैक्सिमम लेंथ ये चाहिए एंड हमें क्या ऐड करना है आगे, 0, ठीक है. सो ये हमने यहाँ पर कर दिया. अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंड्स बना लेंगे. सो लेट्स से सेकेंड्स इक्वल्स टू स्ट्रिंग एंड इसमें हम क्या करेंगे, टाइम मॉड्यूलस ऑफ 60, क्योंकि एंड दैट डॉट पैड स्टार्ट एंड सेम हमें दो वैल्यूज, मैक्सिमम दो लाइन शो करनी है तो हम ये शो कर देंगे, ठीक है. इसको हम सेव करते हैं. अगर तो हमारे पास कुछ एरर आ रहा है एंड व्हाट इज दैट एरर, सो इज असाइन विथ इट्स वैल्यूज नेवर यूज, ओके. मैथ डॉट फ्लोर पैड स्टार इज नॉट अ फंक्शन, व्हाट इज द इशू, ओके. हमने क्या किया है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये स्ट्रिंग की मेथड है और मैंने ये जो ब्रैकेट है उसको पहले क्लोज करना है, जिससे कि ये जो पेट स्टार्ट मेथड है वो अप्लाई हो इस स्ट्रिंग पर, ओके. सो यहाँ पर हमने ये बना लिया एक मिनट और ये सेकंड. अब इसको हम कंबाइन कर देते हैं. सो लेट मी राइट रिटर्न, लेट्स से मिनट एंड उसके बाद हम एक कोलन लगा देंगे एंड देन सेकेंड, ओके. एंड इसको हम करते हैं सेव. सो नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर, ठीक है. अभी एरर नहीं आ रहा है एंड नाउ अब मैं जो भी यहाँ पर टाइप कर रही हूँ, वन टाइप कर रही हूँ तो 1 आ रहा है, 2 कर रही हूँ तो 2 आ रहा है, 3 कर रही हूँ तो 3 आ रहा है. सो परफेक्ट, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ओके. सो अब क्या करते हैं, हम ये तीनों बटन की फंक्शनैलिटी लिखते हैं, ठीक है. सो होना क्या चाहिए, अगर मैं यू एज अ यूजर स्टार्ट बटन पर क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, स्टार्ट बटन मेरी एक्टिव होना चाहिए और जो पॉज बटन अभी इनएक्टिव है, डिसेबल है, उसे एक्टिव होना चाहिए, ठीक है. तो पहले तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर दो और स्टेट्स बना लेते हैं. सो लेट्स से कॉन्स्टेंट इज एक्टिव, सेट एक्टिव, ठीक है. एंड स्टार्ट में हम क्या कर देंगे, यूज स्टेट, सबको हम पहले फॉल्स दे देते हैं, ठीक है, फॉल्स. एंड लेट्स से कॉन्स्टेंट इज पॉज एंड लेट्स से सेट इज पॉज इक्वल्स टू यूज स्टेट एंड इसकी भी वैल्यू मैं फॉल्स दे देती हूँ अभी. सो अभी हमने क्या किए, दो स्टेट्स बना लिया एंड हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट के लिए पहले तो मैं लिख देती हूँ ऑन क्लिक एक इवेंट हैंडलर, सो लेट्स से हैंडल स्टार्ट, ठीक है. सिमिलरली फॉर हम लिख देते हैं ऑन पॉज के लिए पहले तो, सो विल से हैंडल पॉज एंड सिमिलरली फॉर रीसेट, चलो रीसेट का हम बाद में लिखते हैं. सो पहले हैंडल स्टार्ट के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर. सो लेट्स से कॉन्स्टेंट दिस, इसको भी हम एरो फंक्शन बनाते हैं एंड जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करें तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो सेट एक्टिव है आप एक्टिव कर दो, जो हमारा टाइमर है उसको स्टार्ट कर दो. सेट इज पॉज जो है पॉज नहीं है तो इसको आप फॉल्स कर दो, ठीक है. तो यहाँ तक तो बहुत बेसिक है कि भाई जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो टाइमर एक्टिव होना चाहिए, टाइमर एक्टिव होना चाहिए इट मीन्स यहाँ पर जो टाइमर है वो भी स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टाइमर फंक्शन लिखना पड़ेगा, करेक्ट. उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक यूज इफेक्ट का यूज करते हैं एंड लेट्स से यूज इफेक्ट
एंड इसके अंदर हम अपना टाइमर फंक्शन लिखेंगे। एंड आप लोगों को हमेशा याद रखना है, रिएक्ट में जब भी हम कुछ टाइमर फंक्शंस लिखते हैं, सेट इंटरवल हो गया, सेट टाइम आउट फंक्शन हो गए, एपीआई कॉल्स हो गए, ठीक है, जितने भी काइंड ऑफ असिंक्रोनस फंक्शन होते हैं वो हमेशा यूज इफेक्ट के अंदर लिखना चाहिए हमें। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ओके, सो यहाँ पर हम यूज इफेक्ट का यूज कर लेते हैं। एक और चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, जब भी हम कोई टाइमर फंक्शंस लिखते हैं, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, तो हमेशा आप लोगों को जो है इंटरवल्स या टाइम आउट्स क्लियर करने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक और यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से कॉन्स्टेंट इंटरवल रेफ, ठीक है, इक्वल्स टू यूज रेफ एंड व्हाट हैपेंड, यूज रेफ एंड इसकी वैल्यू हम इनिशियली नल दे देते हैं, ठीक है, एंड नल। एंड अब हम क्या करेंगे, हमारे यूज इफेक्ट के अंदर सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि भाई इज एक्टिव, यानी कि यदि स्टार्ट बटन क्लिक हुआ है, यानी कि टाइमर एक्टिव है, एंड देन जो पॉज बटन है वो हमारा फॉल्स है, यानी कि पॉज नहीं है हमारा टाइमर, एंड ऑल्सो जो टाइम की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, जीरो सेकेंड से ज़्यादा ही टाइम है। इन दैट केस हम क्या करेंगे, पहले तो मैं कॉन्स्टेंट हमने जो इंटरवल रेफ बनाया है डॉट करेंट, ठीक है, एंड जिन्हें नहीं पता है कि भाई यूज रेफ क्या है उसके पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं। एंड यहाँ पर हम अपने सेट इंटरवल फंक्शन का यूज करेंगे, एंड हम लिखेंगे यहाँ पर, इसमें हम अपना जो सेट टाइम है उसको हर एक इंटरवल में, इट मीन्स हर एक सेकेंड में सेट करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी हमारा प्रीवियस टाइम रहेगा, ठीक है, उससे एक सेकेंड हम माइनस कर देंगे, माइनस वन, एंड ये जो फंक्शन है वो हर एक सेकेंड बाद कॉल होगा अगेन एंड अगेन, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें एरर क्यों देखने मिल रही है, एक्सपेक्टेड दिस वाई, क्योंकि मैंने जो हमारा कॉन्स्ट से जब भी हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसको हम री डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ से मुझे सिंपली कॉन्स्ट हटाना है। एंड अब हम बोलेंगे एल्स इफ, बोलेंगे कि अगर टाइम की वैल्यू जीरो जीरो हो चुकी है, यानी कि हमारा टाइमर खत्म हो गया, इन दैट केस हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें करना है इंटरवल को क्लियर। सो हम बोलेंगे क्लियर इंटरवल रेफ डॉट करेंट, ठीक है, हम अपने इंटरवल को सबसे पहले क्लियर कर देंगे, एंड उसके बाद हमारी जो स्टार्ट बटन है, इट मीन्स हम क्या कर देंगे, सेट एक्टिव को भी हम कर देंगे फॉल्स, क्योंकि हमारा टाइमर क्या हो गया, खत्म हो चुका है, तो अब एक्टिव नहीं है हमारी स्टार्ट बटन, राइट। एंड साथ में ही हम एक अलर्ट दे देंगे ऊपर कि भाई योर टाइम इज अप, टाइम इज अप, एंड हम फाइनली रिटर्न स्टेटमेंट लिख देंगे, रिटर्न। ये हमारा क्या कहलाता है, क्लीन अप फंक्शन कहलाता है। इससे क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है रिएक्ट की। तो जब भी हम कभी इंटरवल फंक्शन या टाइम आउट फंक्शन लिखते हैं तो हमें हमेशा रिटर्न में क्या कराना होता है, क्लियर इंटरवल, ठीक है, हमें हमेशा अपने टाइम आउट को या इंटरवल को क्लियर करना होता है। तो फिर हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे अपना इंटरवल डॉट करेंट। एंड अब इस यूज इफेक्ट में हमें अपनी डिपेंडेंसी ऐड करनी है, तो भाई ये कब कब चलना चाहिए, ये अंदर के फंक्शंस हमारे कब कब चलने चाहिए, किस पे डिपेंड होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, जब भी हमारा स्टार्ट बटन एक्टिव हो रहा है, यानी कि जब भी हमारा टाइमर एक्टिव हो रहा है तब, या फिर जब कभी हमारा पॉज बटन एक्टिव हो रहा है तब, या फिर यदि हमारे टाइम में कोई चेंज है तो, ठीक है, तो हम ठीक है। अब ये हो गई हमारी स्टार्ट की फंक्शनैलिटी, तो हमने लिख ली, लेकिन अब हमें करना है हैंडल पॉज। अगर पॉज पर यूजर क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, हमारा जो टाइमर है वो वहीं पर स्टॉप हो जाना चाहिए। सो इसको हम करते हैं कॉपी, एंड नाउ लेट्स राइट दिस फंक्शन हियर, ठीक है। एंड इस फंक्शन में बेसिकली हमें करना क्या है, हमारे टाइमर को स्टॉप कराना है, या फिर अगर ऑलरेडी स्टॉप है, पॉज है, तो हमें रिज्यूम भी कराना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, सेट इज पॉज, जो भी उस टाइम पे, अगर पॉज हमारा ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, ठीक है। इट मीन्स अगर पॉज है तो रिज्यूम हो जाएगा, और रिज्यूम है तो पॉज हो जाएगा, ठीक है। इस पॉज की वैल्यू जो भी है उसका अपोजिट कर दो, ठीक है। हैंडल पॉज भी हो गया, अब हमें क्या करना है, रीसेट करना है। सो नाउ लेट्स गो बैक हियर, एंड यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक एक फंक्शनैलिटी डाल देते हैं, रीसेट, हैंडल रीसेट,
एंड इस फंक्शन को भी हम कर देते हैं डिफाइन. सो लेट मी कॉपी दिस एंड लेट्स से कॉन्स्टेंट रीसेट. एंड इसमें अब हमें करना क्या है, अब रीसेट मतलब क्या है, अगर हमारा ऑलरेडी टाइमर चल रहा है तो उसकी वैल्यू जीरो कर दो. ठीक है, सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले अगर टाइमर चल रहा है यानी कि इंटरवल फंक्शन ऑलरेडी ऑन गोइंग है तो हम उसको क्लियर कर देते हैं. सो हम बोल देंगे कि भाई क्लियर कर दो इंटरवल. सो हम बोलेंगे इंटरनल रेफ डॉट करेंट, जो भी हमारा इंटरवल है उसको क्लियर करवा देंगे. फिर सेट कर देंगे एक्टिव स्टार्ट बटन की जो वैल्यू है उसको हम कर देंगे फॉल्स. ठीक है, कि भाई अब हमारा एक्टिव नहीं है टाइमर. और साथ में ही इस पॉज को भी हम कर देंगे फॉल्स की भाई जो पॉज बटन है वो भी हमारी अभी स्टॉप्ड है. ठीक है, एंड जो साथ में जो टाइम है उसको हम वापस से कर देंगे सेट जीरो, जो कि हमारी इनिशियल वैल्यू थी क्योंकि हम रीसेट कर रहे हैं. ठीक है, तो हम इसको करते हैं सेव यहाँ पर एंड चलते हैं अपने ब्राउजर में. पहले तो हमने जितना कोड लिखा उसको चेक करते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं. सो यहाँ पर ओके, यहाँ पर मुझे एक पॉपअप मिल रहा है. ठीक है, ठीक है, अभी मेरा जो इनिशियली है वो टाइमर क्या है, ज़ीरो है. ठीक है, मैंने यहाँ पर इनिशियली टाइमर ज़ीरो दे के रखा है और मैंने क्या बोला है यहाँ यूज़ इफेक्ट के अंदर, अगर मेरा टाइम जो है वो ज़ीरो है तो यहाँ पे मुझे अलर्ट शो होना चाहिए टाइम इज़ अप. तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर एक पॉपअप दिख रहा है, तो दैट इज़ फाइन. अब एज अ यूज़र अगर मैं यहाँ पर वन टाइप करूँ तो यहाँ पर नीचे भी मेरा वन आ रहा है, ये फंक्शनैलिटी भी हमने अचीव कर ली. अगर अब मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँ तो देखो मेरा टाइमर भी यहाँ पर क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है. एंड अगर अब मैं पॉज पे क्लिक करूँ तो ये मेरा पॉज भी हो रहा है, अगर मैं वापस से पॉज पे क्लिक करूँ तो ये मेरा रिज्यूम भी हो रहा है. लेकिन एक्चुअली अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ और CSS भी है यहाँ पर, मतलब अगर टाइमर स्टार्ट ही नहीं है तो हम पॉज कैसे कर सकते हैं. तो एक फंक्शनैलिटी हम ये ऐड कर देते हैं एंड साथ में अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वापस से यूज़र उसको स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट है. ठीक है, हम इस ये फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं. एंड अगर यूज़र ने पॉज पे क्लिक किया है तो बटन हमारी चेंज हो रही है रिज्यूम में, हम ये भी ऐड कर देते हैं. सो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन में डिसेबल कंडीशन डाल देते हैं कि इस बटन को डिसेबल कर देना यदि हमारा जो इज एक्टिव है वो क्या हो, ट्रू हो. एंड जो पॉज बटन है एंड एंड इज पॉज हमारा क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए. तो ये क्या होगी, हमारी बटन डिसेबल हो जाएगी. ठीक है, एंड साथ में ही हम क्या कर सकते हैं, पॉज और रिज्यूम जो है वो एक कंडीशन के बेसिस पे डिस्प्ले करवा सकते हैं कि अगर इस पॉज्ड हमारा ट्रू है. ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉज डिस्प्ले करवाओ, नहीं तो यहाँ पर हमें क्या शो होना चाहिए, रिज्यूम. ठीक है, एंड इसको भी बेसिकली हम डिसेबल कर सकते हैं. इसको हम डिसेबल कब करेंगे, जब हमारा इज एक्टिव जो है इज एक्टिव फॉल्स होगा. ठीक है, एंड इसको हम करते हैं सेव एंड चलते हैं अपने ब्राउजर पे. तो अगर मैं इसको, अब देखो मैंने ये रिज्यूम किया है तो मेरा काउंटर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. एंड ऑलरेडी स्टार्ट हो गया तो मैं वापस से स्टार्ट बटन पर क्लिक नहीं कर सकती. अगर मैं रिज्यूम ओके, यहाँ पे एक्चुअली हमने उल्टा कोड लिख दिया है. हमने क्या बोला है कि भाई इस पॉज है, ऑलरेडी इस पॉज है तो भाई पॉज क्यों शो करना है, रिज्यूम शो करेंगे ना. एंड यहाँ पर हम बोलेंगे कि पॉज शो कर दो. ठीक है, एंड अब चलते हैं वापस ब्राउजर पे. एंड अगर अब देखो, अगर अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, अगर मैं पॉज पे क्लिक करूँगी तो पॉज हो जाएगा एंड रिज्यूम पे क्लिक करूँगी तो वापस से हमारा जो टाइमर है वो रिज्यूम हो जाएगा. एंड अगर मैं रीसेट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक पॉपअप आ गया कि और टाइम इज अप. एंड जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगी मेरा टाइमर वापस से ज़ीरो पे सेट हो जाएगा. सो ये था हमारा बहुत सिंपल सा काउंटर प्रोजेक्ट एंड आई रियली होप आप लोगों से ये बनाते बना होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लॉजिक्स नहीं थे. ठीक है, बहुत ही बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट था ये एंड आई रियली होप आप लोगों को समझ आया होगा. सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बट बिफोर लिविंग एक और चीज़ है, मैं चाहती हूँ आप लोग जितने भी लोगों ने ये प्रोजेक्ट बिना किसी हेल्प के बनाया है वो मुझे इंस्टाग्राम पे अपने प्रोजेक्ट का शॉर्ट वीडियो या फिर एक फ़ोटो लेके ज़रूर भेजें, मुझे DM करें. एंड जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं लोगों के DM चेक करूँगी एंड मैं रिप्लाई भी करूँगी. ओके, सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग.